जेएनयू में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना बंद करो, युवाओं को रोजगार दो, इस नारे के साथ कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान द्वारा आंदोलन किया गया। इस दौरान शेख हुसैन तौसीफ अहमद उपस्थित थे। पूरा मामला ऐसा है कि जेएनयू में भगवे झंडे लगाए गए, साथ ही धमकाया गया कि इन झंडों को ना उतारे, जिस कारण वहां का माहौल खराब हुआ और राजनीति गर्मा गई। जहां छात्र शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, भविष्य उज्जवल बनाने जाते हैं, वहां इस तरह से राजनीति करना गलत है। इसलिए इसका निषेध कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान द्वारा किया जा रहा है, ऐसा शेख हुसैन द्वारा कहा गया। जेएनयू के अंदर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर देश के अंदर में दुनिया के अंदर में उस यूनिवर्सिटी का नाम है, और वहाँ पर इस तरीके से राजनीतिकरण कर वहाँ पे अंदर जाकर भगवे झंडे लगाना, वहाँ जाके लोगों को मारना, लोगों के साथ में बच्चों के साथ में खिलवाड़ करना, और फिर इस तरीके से जो देश के अंदर में वातावरण खराब हो रहा है, ये बहुत बड़ी यानी गंभीर समस्या है। अरे कम से कम वो जहाँ वहाँ से पढ़ने वाले लोग अरे IAS ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े कलेक्टर बड़े बड़े जगह पर जाते हैं, उनका एक रिकॉर्ड है यूनियो का, और वहाँ पर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, भगवे झंडे लगा रहे हैं, वहाँ जाके लोगों के हमले कर रहे हैं, कई लोग उसमें घायल हुए। इसके पहले भी वहाँ पर मैं और इसके पहले भी वहाँ पर हुआ था, करिए लाल जीते जब उस टाइम पे भी बहुत इन्होंने किए, कई लोगों पर देशद्रोह के मामले लगाए। आज भी देशद्रोह के अंदर में वहाँ के स्टूडेंट 2-3 आज भी बंद है। हमेशा कैसा रहा है कि RSS और BJP की नीति ये रही है कि जब भी देश में महंगाई, बेरोजगार और इन सब के लिए आंदोलन किया जाता है, तो उन सबको मुंह बंद कराने के लिए इस तरह के दंगे फैलाए जाते हैं, ताकि मेन जो मुद्दा है कांग्रेस का, जिसके लिए हमेशा अपोजिशन पार्टी उनके लिए बोलती रहती है, उन सब से ध्यान हटाकर सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम करती है। तो JNU का क्या है कि 1174 वहाँ पे रिसर्च ये थी, स्टूडेंट लोगों के लिए जगह थी PhD और NPL के, तो उसको उन्होंने 194 लाए, यानी 83% उन्होंने कम किए, और इसको बात लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए करके सांप्रदायिक दंगे वहाँ करा रहे हैं। कभी कपड़ों पे करते हैं, तो कभी अनाज पे करते हैं, तो कभी खाने पे करते हैं। ये देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि JNU में कौन पढ़ता है, हमारे जैसे सामान्य लोगों के लड़के पढ़ते हैं। JNU में जो आए दिन हमले हो रहे हैं, ये सरकार की सोची समझी साजिश है, और योजना के तहत उनको ये हमले किए जा रहे हैं, और वहाँ का भाईचारा और जो माहौल है वो ख़राब कर रहे हैं। वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि JNU के पास 1000 एकड़ ज़मीन है और प्राइम लोकेशन है, कीमती ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, उसका निजीकरण करके ये अपने मित्रों को बेचना चाहते हैं। और जो JNU में 300 और 400 रुपये में PhD की डिग्री हो जाती है, वो जो पूंजीपतियों के पास जाने के बाद में 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए उनके पूंजीपति वसूलेंगे। आए दिन हम देख रहे हैं कि JNU विविध राजनीतिक कार्यवाहियों के कारण सुर्खियों में है। जहां शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा JNU का उपयोग सांप्रदायिक हिंसा फैलाने, राजनीति के लिए ना करें, ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।